दोस्तों, विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पता चला है जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ हमने मनोवैज्ञानिक के 26 सिद्ध तथ्य एकत्रित किए हैं जो मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और दुनिया को देखने के आपके नज़रियों को पूरी तरह बदल देंगे। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या आपको पता है मानव शरीर की सभी कोशिकाओं पर विचार प्रभाव डालते हैं और नकारात्मक सोच अधिक होने से मानव की प्रतिरोधी क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, 99% मनुष्यों को घूमने फिरने में रुचि होती है, किंतु उनको अपने तरीके से अलग जगह पर घूमने में ज़्यादा आनंद और उत्साह मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है एक सामान्य व्यक्ति को किसी भी नई चीज को रोजमर्रा की आदत बनाने में करीबन 66 डेज लग जाते हैं। दोस्तों, एक स्टडी से पता चला है स्त्रियां अधिक जोखिम लेना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनके बड़े एंगुलर सिंगुलेट कोटेक्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते। दोस्तों, मनुष्य देर रात्रि के समय किसी से बात करते समय अधिक सच बोलता है क्योंकि उसके दिन भर की थकान मस्तिष्क को अधिक काम करने नहीं देता है जिसकी वजह से वो अक्सर सच बोलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है अकेला समय अधिक बिताने वाला इंसान अधिक इंटेलिजेंट और पॉजिटिव होता है। दोस्तों, मेडिटेशन करने से मात्र 8 हफ्ते में ही मानव के दिमाग की संरचना में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि इससे दिमाग के कुछ भागों में ग्रे पदार्थ में वृद्धि होती है। दोस्तों, हमारे मन की क्षमता है कि बिना देखे ही हम जान सकते हैं कि हमको कौन देख रहा है और या कौन हमारा पीछा कर रहा है। दोस्तों, प्यार होने पर मानव के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है और वह काफ़ी पॉजिटिव भी हो जाता है। दोस्तों, आदमी महिलाओं की तुलना में ज़्यादा मनोरंजक नहीं होते हैं, वे तो बस ज़्यादा जोक तैयार करते हैं, वो बिना इसकी परवाह किए कि इस पर अन्य लोगों को हंसी आएगी या नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग अपने व्यक्तित्व को भी अनजाने में बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य से जलन करता है तो वह उस व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, वह स्वयं से ही नफरत करता है अथवा वह उस व्यक्ति को अपने लिए खतरा समझता है जिससे वह उससे जलता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क में 6000 विचार प्रतिदिन चलते हैं और इन सभी विचारों में से 80% विचार नकारात्मक ही होते हैं। फिर चाहे हम अपने करियर के बारे में नकारात्मक सोच रहे हों या फिर अपने परिवार के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है डिप्रेशन में जाना ओवरथिंकिंग का नतीजा है और इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। दोस्तों, एक स्टडी से यह पता चला है कि महिलाएँ औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती हैं। दोस्तों, यदि कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात अच्छाई या बुराई करता है तो इसका मतलब है वह इंसान से प्रभावित है। दोस्तों, हम कोई भी चीज़ अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आँख सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेने का काम करती है और हमारे दिमाग तक पहुंचाती है जिससे कि हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है वह हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या का हल करते रहते हैं, इसलिए वह सामाजिक नहीं हो पाते। इन लोगों के दोस्त भी बेहद कम होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके कपड़े पहनने का असर आपके मूड पर होता है। यदि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं
तो आपका मूड अच्छा रहता है। दोस्तों, सपने देखना वास्तविकता में भी लाभदायक होता है। सपनों से हम अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता समझते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान मेहनत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं म्यूजिक सुनने से दिमाग तेज होता है और विचार शक्ति में भी सुधार होता है। दोस्तों, हंसते वक्त शरीर में एंडोर्फिन नामक खुशियों का हार्मोन निकलता है जो तनाव को कम करता है और आदमी खुश रहता है। दोस्तों, एक स्टडी में यह पता चला है कि 72% लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज बाथरूम में शावर लेते समय आते हैं। दोस्तों, अगर आप हमेशा यही चिंता करते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो हमेशा आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के लिए ज़रूर सोचता है। दोस्तों, दर्द और अकेलापन हमारे दिमाग के एक ही हिस्से की प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।